आज मैं आपके समक्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा देश नदियों, जंगलों और वन्य जीवों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रकृति बची रहेगी तभी जीवन बचेगा। इसी के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, प्राकृतिक स्रोत, वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है इन सब के पीछे क्या वजह है? बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, प्रकृति और पर्यावरण का दोहन, ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से धरती पर खतरा मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। प्रकृति के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सायक दृश्य बनाए, संदेश हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। माता है ये धरा हमारी, हम सब इसका सम्मान करें, भला हो जिससे सभी जनों का, भला हो जिससे सभी जनों का, आदत हम सब वो अपनाएं, संदेश हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। प्रकृति को बचाना हम सबका कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सके। इसलिए मैं विनाश की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के बचाव में छात्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह बहुत संवेदनशील होते हैं और अपना हर काम जिम्मेदारी से निभाते हैं। अब मैं आपको प्रकृति के बचाव के लिए कुछ सुझाव देने जा रही हूँ। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े वाला बैग इस्तेमाल करें। घर के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। खाना और पानी बर्बाद ना करें। खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक खाद का उपयोग कम करें। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। बिजली बचाएं और सौर ऊर्जा का उपयोग करें। जंगलों को बचाएं और हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पर्यावरण हमेशा सुंदर और स्वच्छ रहेगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं सानवी कक्षा पांचवी की छात्रा आपके सामने पर्यावरण को बचाने के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए घरों में और सार्वजनिक स्थानों में पेड़ जरूर लगाएं।
जल संरक्षण करें, पानी का दुरुपयोग ना करें, बिजली की बचत करें। इससे सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि बिजली का बिल भी बचेगा। धूम्रपान ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। वायु प्रदूषण कम से कम हो इसके लिए वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें। बाजार से सब्जियां ना खरीदें, अगर हो सके तो घरों में ही सब्जियां उगाएं। ऐसी चीजें ही खरीदें जिनका दोबारा उपयोग किया जा सके, जैसे पॉलिथीन की बजाय कागज या जूट के बैग। गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और प्रकृति के बारे में जरूर बताएं। इन तमाम आदतों और प्रयासों से ही हम अपना पर्यावरण खुद बचा सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। ये हम और आप मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम अपनी प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे एवं उसकी सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।